लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हमारे देश भारत में सलमान की पॉपुलैरिटी के बारे में तो आप जानते ही हैं। बॉलीवुड के इस दबंग की सभी फिल्में 100 करोड़ से ऊपर के क्लब में तो शामिल होती है। उनकी पॉपुलैरिटी आज इस कदर हो चुकी है कि सिर्फ उनके फिल्म में होने से ही वो हिट हो जाती है। हाल ही में सलमान की फिल्म टाइगर जिंदा है ने कमाई के मामले में कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। लेकिन सलमान भाई के जिस स्टाइल और मूवी ने बॉलीवुड में कयामत ला दी थी वो है फिल्म तेरे नाम। इस फिल्म में उनके बाल और उनके बोलने का तरीका लोगों को बेहद पसंद आया था। यंग जनरेशन के लगभग सभी लोगों ने उनके इस स्टाइल को कॉपी किया था। एक तरह से देखा जाए तो इस मूवी का सलमान के करियर को बचाने में भी बहुत बड़ा हाथ रहा है। राधे भैया का वो किरदार आज भी लोग पसंद करते हैं। खैर बात करते हैं उनकी इस फिल्म में पागल की भूमिका निभाने वाली लड़की की। फिल्म में रेलवे स्टेशन के पास इस लड़की को बचाने के लिए सलमान गुंडों से भीड़ जाते हैं। आपको बता दें इस लड़की का नाम रोशनी चौधरी है। उन्होंने तमिल की कई फिल्मों में भी काम किया है। तमिल के अलावा भी उन्होंने तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम किया है। 1999 से लेकर 2004 तक रोशनी ने कई बड़ी फिल्मों में काम किया है जिसमें बॉलीवुड से तेरे नाम और खुशी शामिल है। लेकिन इसके बाद साल 2004 से तो जैसे रोशनी बड़े पर्दे से गायब ही हो गई थी। रोशनी ने इसके बाद साल 2010 में एक फिल्म निर्देशित की थी। दरअसल ये एक 15 मिनट की शॉर्ट फिल्म थी। इस फिल्म का नाम था ऑरेंज ब्लॉसम। इस फिल्म को काफी सराहा गया था और इसके लिए उनके लॉस वेगास फिल्म फेस्टिवल में सिल्वर इस अवार्ड भी मिला था। ये फिल्म एक सिंगल मदर की कहानी पर आधारित थी जो अपने हस्बैंड से अलग होने के बाद ही कहानी को दर्शाती है। उसकी लाइफ में आने वाली परिस्थितियों के बारे में बताती है। वैसे तो रोशनी ने अपने फिल्मी करियर में 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है लेकिन साल 2011 के बाद से उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। वो कहाँ है और क्या कर रही है इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है।